आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय विषय गणित का अध्याय 6 अंकों की पूर्ति सूझबूझ, जिसमें ये आप देख रहे हो, इसमें ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है ताले को उस चाबी से मिलाइए, जो ताला है उसको उसी की चाबी से और मिलान करना है। ताला जो है उसके ऊपर गिनती अंकों में लिखी हुई है और जो चाबी उसके ठीक सामने बनी हुई है उसमें गिनती है, वो शब्दों में है। यानी ताले के ऊपर जो संख्या है वो अंकों में है और चाबी के ऊपर जो संख्या है वो शब्दों में लिखी हुई है। अपने को अंकों को और शब्दों से मिलान करना है। अपन सबसे पहले जो देखेंगे, जो ये ताला बना हुआ है इसके ऊपर संख्या लिखी हुई 195 और शब्दों में जो लिखी हुई है वो यहाँ लिखा हुआ 195। तो इस ताले को और इस चाबी से मिलान करना है। फिर लिखा हुआ 149, तो इसको 149 यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको 149 है तो ताला इसको इस चाबी से मिलान करना है। फिर लिखा हुआ 167, ये अंतिम जो चाबी है इसके ऊपर 167 शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको 167 से मिलान करेंगे। फिर लिखा हुआ है 139, इस 139 को सबसे ऊपर जो ये चाबी बनी हुई है, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ 139, तो इसको यहाँ 139 से मिलान करेंगे। फिर लिखा हुआ है 177, तो यहाँ 177 शब्दों में लिखा हुआ है, इसको 177 से मिलान करेंगे। और अंत में जो बचा हुआ है 169, इसको 169 से मिलान करेंगे। अब इस प्रकार इसको एक बार वापस देखेंगे कि जो ताला है उसके ऊपर संख्या अंकों में लिखी हुई है और चाबी है उसके ऊपर संख्या शब्दों में लिखी हुई, तो अंकों को शब्दों से मिलान करना है, ताले को उसी की चाबी से मिलान करना है। ये मिलान किया हुआ 195, फिर 149, फिर 167, फिर 139, फिर 177 और अंत में 169, इस प्रकार इनको मिलान करना है। अब इससे संबंधित कुछ गृह कार्य है जो अपने को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। अब इसमें जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर मैंने यहाँ जो है वो अंकों में लिखा है ये इधर, और इसके ठीक सामने ये लिखा हुआ है शब्दों में। तो अपने को अंकों को और शब्दों से मिलान करना है। सबसे पहले लिखा हुआ 148, तो इसको आप देखिए 148 को यहाँ मिलान करिए, 148 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ 165, इसको 165 से मिलान करिए, 165। फिर 178, ये जो सबसे ऊपर शब्दों में लिखा हुआ 178 यहाँ मिलान करिए। फिर 137, सबसे अंतिम लिखा हुआ है 137 यहाँ मिलान करिए। फिर 189, ये दो नंबर पे लिखा हुआ 189 यहाँ, इस प्रकार इसको मिलान करना है। ये गृह कार्य है, ये गृह कार्य का प्रश्न अपने को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। इसमें अंकों को और शब्दों से मिलाना है। एक बार अच्छी तरीके से देख लो, 148, 148 से 165, 165 से 178, 178 से 137, 137 से और 189, 189 से, इस प्रकार इनको मिलान करना है। फिर ये दूसरा जो प्रश्न है ये भी अपना है, वो गृह कार्य में है, तो इसको भी ठीक से और देख करके ये भी प्रश्न अपने को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी गृह कार्य का है, इसमें एक तरफ लिखा हुआ है शब्दों में और इसके ठीक सामने ये लिखा हुआ ये है अंकों में, तो शब्दों को अंकों से मिलान करना। पहला जो प्रश्न था इसमें था अंक और इनको मिलाना था शब्दों से, अब लिखा हुआ गिनती है वो शब्दों में लिखी हुई है और इसको मिलान करना वो अंकों में करना है। अब जब सबसे पहले लिखा हुआ 132, तो ये 132 अंकों में यहाँ लिखा हुआ है, 132 से मिलान करो। फिर 159, तो ये 59 यहाँ चार नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मिलान करिए। फिर लिखा हुआ 167, तो ये 167 सबसे अंतिम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मिलान करिए। फिर 177, सबसे ऊपर लिखे हुए 177 यहाँ मिलान करिए। और अंत में लिखा 199, तो ये दो नंबर में यहाँ लिखा हुआ 199, 199 से मिलान करिए। इस प्रकार ये गिनती यहाँ शब्दों में लिखी हुई थी, इसको अपन ने अंकों से मिलान किया,
और ये जो लिखा हुआ है ये अंकों में लिखा हुआ था, इसको अपन ने शब्दों से मिलान किया, ये शब्दों में लिखा हुआ था, ये अंकों में से मिलान किया। तो ये जो पहला प्रश्न और ये जो दूसरा प्रश्न है, ये दोनों अपने को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। ये पहला प्रश्न भी करोगे, ये दूसरा प्रश्न भी करोगे। धन्यवाद।